चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है पंप एफिशिएंसी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पंप एफिशिएंसी कैलकुलेशन करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि हमारा एनर्जी मैनेजर के क्वेश्चन बैंक से मैंने पिकअप किया है। इस क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड्स कि आपको एक बॉयलर फीड पंप का पैरामीटर दे दिया है, उसके बाद वो पूछ रहा है कि बॉयलर फीड पंप का एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बीएफपी का एफिशिएंसी हम लोग देखेंगे कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी मेथड से आप किसी भी पंप का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अगर फ्रेंड्स पावर प्लांट में जो भी पंप है, चाहे वो हमारा एमसीडब्ल्यू पंप हो या हमारा एसीडब्ल्यू हो, चाहे हमारा सीईपी हो या हमारा एओपी एमओपी जेओपी या कोई भी पंप हो, फ्रेंड्स इसी मेथड से हमारा उसका एफिशिएंसी कैलकुलेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्या है फ्रेंड्स कि प्लांट हैज टू ट्रेवल गेट बॉयलर ऑफ रेटेड कैपेसिटी 38 टीपीएच ईच। हमारे प्लांट में क्या है फ्रेंड्स, दो ठो ट्रेवल गेट बॉयलर है जिसका कैपेसिटी कितना है 38 टीपीएच, दोनों का है अलग अलग, जिसका प्रेशर कितना है फ्रेंड्स, प्रेशर है 45 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिजाइन स्टीम टेम्परेचर इज 420 प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। यानी फ्रेंड्स, एक 38 टन का दो ठो बॉयलर लगा हुआ है प्लांट में जिसका प्रेशर जो है स्टीम का 45 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और टेम्परेचर जो है स्टीम का वो 420 प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, यानी 415 से लेके 425 डिग्री सेल्सियस वहां पे टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है क्वेश्चन में फ्रेंड्स कि इंस्टॉल अ फीड वाटर पंप टू बॉयलर इज क्यू इक्वल टू कितना दिया है 135 एमक्यू पर आवर। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स हमको केवल बीएफपी का पैरामीटर लिखना है। तो क्यू इक्वल टू कितना दिया है 135 एमक्यू पर आवर दिया है, ठीक है। और क्या दिया है फ्रेंड्स कि यहां पे जो हेड है, हेड कितना दिया है 650 मीटर, एच इक्वल टू कितना दिया है 650 मीटर, एच इक्वल टू दे दिया है 650 मीटर, यानी टोटल हेड दे दिया है हमको 650 मीटर। तो जब हम लोग अपने प्लांट का कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे हमारा टोटल हेड नहीं रहेगा, हम लोग को टोटल हेड कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें तो डायरेक्ट दे दिया है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल हेड? तो उसका कैलकुलेट करने का बहुत ही साधारण है क्या कि जो हमारा डिस्चार्ज हेड है, यानी पंप से जो हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं कितना मीटर हाइट तक कर रहे हैं, मान लीजिए 900 मीटर पे हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं, और माइनस कर देना है सक्शन हेड। तो सक्शन हेड कितना मीटर, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स हमारा जो बीएफपी का सक्शन कहां से लेते हैं, डिएरेटर से लेते हैं। तो डिएरेटर मान लीजिए 10 मीटर एलिवेशन पे है और डिएरेटर के अंदर हमारा क्या है 1 केजी प्रेशर है। तो जब हम लोग 10 मीटर हाइट पे रखते हैं तो उसके चलते कितना 1 केजी प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। और मान लीजिए डिएरेटर के अंदर भी 1 केजी है, तो 1 केजी को डायरेक्ट हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हमारा 10 मीटर हाइट प्लस इसके अंदर जो प्रेशर है मान लीजिए 1 है, तो 10 यानी 10 क्या हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। तो सक्शन हेड हमारा क्या होगा 20 मीटर। तो फ्रेंड्स, जब हमारा यह सेंटर पॉइंट से टॉप में रहेगा, टॉप से जब हम लोग करेंगे तो यह प्लस में होता है, और बॉटम में रहेगा जब नीचे की तरफ रहेगा तो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। और यहां पे क्या है हमारा डिस्चार्ज हेड है, टोटल हेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल हेड इक्वल टू हमारा होता है जो डिस्चार्ज हेड है, डिलीवरी हेड माइनस सक्शन हेड। तो यहां पे अगर मान लीजिए ऐसा है तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 900 और माइनस क्या करना है, इधर मान लीजिए 20 मीटर है तो 20 मीटर तो क्या हो जाएगा 880 मीटर हो जाएगा। लेकिन यही अगर मान लीजिए हमारा नीचे है, नीचे 10 मीटर रहेगा तो यह क्या माइनस हो जाएगा। तो मान लीजिए यहां पे 10 मीटर 20 मीटर ही मान लीजिए, तो यहां पे माइनस का 20 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा अब 880 के जगह पे यह क्या हो जाएगा 920 मीटर हो जाएगा। यानी टोटल हेड इस कंडीशन में अगर नीचे रहेगा तो हमारा यहां पे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह हेड क्या होता है बढ़ जाता है। तो ऐसे हम लोग हेड, टोटल हेड पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें तो डायरेक्ट दे दिया है, उसके बाद देखिए अभी क्या दिया हुआ है, आगे भी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो दिया है कि इनपुट पंप पावर कितना दिया है 292 किलोवाट। यहां पे जो हम लोग पंप से इसको रोटेट करवा रहे हैं, यानी शाफ्ट पे इनपुट पावर टू द शाफ्ट कितना है 292 किलोवाट। यानी हम यहां पे लिख दे रहे हैं कि पंप पावर इक्वल टू कितना है 292 किलो वॉट है। और पंप यहां पे क्या लिखा है विद 93% एफिशिएंसी ऑफ मोटर, यानी यहां पे एफिशिएंसी ऑफ मोटर कितना है 93% है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर एट द पंप इनलेट इज 105 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर कितना है 105 डिग्री सेल्सियस है। यहां पे जो पंप के अंदर जो वाटर इन कर रहा है उसका टेम्परेचर कितना है 105 डिग्री सेल्सियस है। तो व्हाट विल बी द
एफिशिएंसी ऑफ पंप, हमको पंप का एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन को मैंने यहां पे राइट डाउन कर दिया है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे पंप का एफिशिएंसी। तो फ्रेंड्स एक चीज हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज का अगर आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइड इनपुट कर देते हैं। तो आउटपुट डिवाइड इनपुट कर देने से हमको क्या निकल जाएगा, एफिशिएंसी। तो यह क्या है, हमारा एक हाइड्रोलिक मशीन है, पंप क्या है, हाइड्रोलिक मशीन है। तो इससे आउटलेट क्या हो रहा है, हमारा पंप का फ्लो कितना जा रहा है और कितना इसका हेड है, मतलब कितना प्रेशर डिलीवर कर रहा है, वह हमारा आउटपुट हो जाता है। और इस यहां पे इनपुट क्या देते हैं, जो हमारा शाफ्ट है इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, ठीक है, यानी शाफ्ट के पास जो हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट करवा रहे हैं उसको, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा पंप का एफिशिएंसी निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहां पे मैं लिख देता हूं कि एफिशिएंसी ऑफ पंप और इसके इक्वल टू क्या जाएगा, तो जो भी यहां पे हाइड्रोलिक पावर डेवलप हुआ है उसको, यानी हाइड्रोलिक पावर, और डिवाइड क्या कर देना है कि जो यहां पे पावर इनपुट दे रहे हैं शाफ्ट के पास, यानी पावर इनपुट टू पंप शाफ्ट, तो यह क्या हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं हाइड्रोलिक पावर को, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एच पी। तो हाइड्रोलिक पावर इक्वल टू क्या होगा कि पहले हम लोग देखेंगे पंप का फ्लो रेट कितना है, फ्लो रेट, और फ्लो रेट किस में होता है, एम क्यू पर सेकेंड में। यहां पे क्या दिया है, एम क्यू पर आवर में, तो इसको हम लोग को एम क्यू पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको क्या मिल गया, यहां पे फ्लो रेट मिल गया। उसके बाद क्या मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितना टोटल हेड डेवलप कर रहा है, मतलब कितना प्रेशर डिलीवर कर रहा है। तो टोटल हेड इक्वल टू क्या होता है, हमारा डिस्चार्ज हेड माइनस सक्शन हेड, जो कि हमने यहां पे डायरेक्ट लिख दिया है। तो क्या लिखेंगे, टोटल हेड, और टोटल हेड हम लोग लेते हैं मीटर में। और उसके बाद हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, कि जो भी हम लोग फ्लूइड को हैंडल कर रहे हैं उसका डेंसिटी कितना है, यानी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो भी है उसको हम लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो वाटर है, जो भी सबस्टेंस है इसके अंदर, उसके चलते ग्रेविटेशनल फोर्स जो डेवलप हो रहा है वो, और डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जो हमारा हाइड्रोलिक पावर है वह निकल के आ जाएगा, या किस में निकल के आता है, किलो वॉट में आता है। हाइड्रोलिक पावर को पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या होगा, फ्लो रेट अभी हमारा कितना है, 135 किस में है, एम क्यू पर आवर में है, या क्या है, एम क्यू पर सेकंड में। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या जानते हैं हम लोग कि एक घंटा के अंदर 3600 सेकंड होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे लिख दे रहा हूं 3600, तो यह क्या हो जाएगा, एम क्यू पर सेकेंड हो जाएगा, और यह जो 1000 है इसको मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या करना है, टोटल हेड, टोटल हेड कितना है, 650 मीटर, आप 650 मीटर लिख दीजिए, इनटू क्या करना है, फ्लूइड का डेंसिटी। अभी जो हमारा इतना टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है, 105 डिग्री है, तो 105 डिग्री पे अभी हमारा जो भी फ्लूइड है उसका डेंसिटी, तो अभी क्या है, वाटर को हैंडल कर रहे हैं, तो 105 डिग्री पे वाटर का डेंसिटी कितना होगा। तो फ्रेंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1000 केजी पर एम क्यू होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पानी को गर्म करेंगे तो उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो जब हम लोग 105 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे तो इसका जो डेंसिटी है वह कितना हो जाएगा, 950 केजी पर एम क्यू आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, 9.81 होता है। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको निकल के आ जाएगा हाइड्रोलिक पावर, यानी 135 इंटू 650 इंटू 950 इंटू 9.81, और डिवाइड क्या करना है, 3600, और डिवाइड फिर से क्या कर देना है, 1000, तो हमारे पास कितना आ जा रहा है, 227.16 227.16 या क्या हो जाएगा, किलो वॉट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ये हाइड्रोलिक पावर तो निकल के आ गया, अभी हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि पावर इनपुट टू पंप शाफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पे जो शाफ्ट में जो हम लोग पावर दे रहे हैं, शाफ्ट को घुमाने के लिए जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं वह कितना दे रहे हैं, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इनपुट पंप पावर, यानी इनपुट पंप पावर कितना है, 292, और मोटर का एफिशिएंसी कितना है, तो मोटर का एफिशिएंसी 93 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.93 लिख सकते हैं, तो यहां पे 0.93 लिखेंगे। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 292, और इनटू कर देना है 0.93 से, तो आपका जो वैल्यू आ रहा है 271.27156।
यह क्या हो जाएगा, किलोवाट में हो जाएगा। हमने कैलकुलेट कर लिया हाइड्रोलिक पावर को और हमने कैलकुलेट कर लिया पावर इनपुट टू द पंप शाफ्ट, दोनों हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं पंप का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो क्या होगा, इसका साधारण वही है कि हमारा हाइड्रोलिक पावर डिवाइड क्या करना है, पावर इनपुट टू द पंप शाफ्ट। तो हाइड्रोलिक पावर कितना है 227.16 और डिवाइड क्या कर देना है हमारा यह जो पावर इनपुट टू द पंप शाफ्ट 271.56 और मल्टीप्लाई क्या है 100 है तो आप 100 से कर दीजिए। तो अभी आप करेंगे तो कितना आ रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। यानी 227.16 डिवाइड क्या कर देना है 271.56 और मल्टीप्लाई क्या कर देना है 100 से तो आ जा रहा है 83.65%। तो फ्रेंड्स यह है हमारा कैलकुलेशन पंप का एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर प्लांट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।